अस्सलाम वालेकुम अबू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटी, वालेकुम अस्सलाम। बेटी सलमा, खुदा की याद के बाद अगर हमने किसी को याद किया है इस दुनिया में तो सिर्फ तुम हो। नमाज पढ़ने के बाद जब भी आपने अपनी बेटी को याद किया, परछाई की तरह उसे अपने सामने पाया, ये मैं सलमा के बचपन से देखते आ रही हूँ। ताइमा, सलमा की अम्मी जान के इंतकाल के बाद इसका बचपन आप ही की गोद में गुजरा है। इसे पालने पोसने में आपने जो अपनी जिंदगी का हिस्सा सर्फ किया है, उस एहसान का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। सरदार, पालने वाला तो परवरदिगार है, हम इंसान तो जरिया हैं। रही कर्ज चुकाने की बात, आप चाहे तो अब भी चुका सकते हैं। वो कैसे दाइमा? मेरी सलमा के लिए एक अच्छा सा सलीम तलाश कर लीजिए, क्योंकि अभी शादी के लायक हो गई है। दाइमा, सलीम क्या मतलब? आदाब मामू जान। जीती रहो शबाना बेटी। आदाब दाइमा। जीती रहो बेटी। मामू जान, दाइमा को सलीम नाम बहुत पसंद है, मगर मैंने दाइमा से कहा अगर मामू जान को सलमा के लिए सलीम खान ना मिला और कोई सरफराज खान या अकबर खान या अली खान मिल गया तो? तो क्या हुआ बेटी, उसका नाम बदल कर हम सलीम खान रख देंगे। दाइमा, सलमा की शादी हमारा पहला और आखिरी अरमान है। हम अपनी बेटी की शादी पर अपने सारे इलाके को इतने चिरागों से रोशन कर देंगे कि जमीन की तरफ देखकर आसमान के सितारे भी आपस में पूछेंगे कि आज जमीन पर ऐसा कौन सा जश्न है जो जमीन भी सितारों भरे आसमान की तरह चकमगा रही है। दाइमा, मेरी बेटी सलमा की शादी इस इलाके की ऐसी बेमिसाल शादी होगी जिसे आसपास के कबीले और उनके सरदार सालों साल भुला नहीं पाएंगे। अल्लाह आपके अरमान पूरे करे सरदार। सरदार, अपने कबीले का कोई मजलूम फरियाद लेकर आया है, भेजो उसे। जी सरदार। सरदार, मेरी बेटी को बचा लो सरदार, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया सरदार, मेरी बेटी को बचा लो। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? सरदार, गुल खान के कबीले के लोग मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा कर ले गए। उनकी ये मजाल कि हमारे कबीले की लड़की पर निगाह डालें, हम उस निगाह को जला कर राख कर देंगे। दिलावर खान पर शेर खान का दिल आ गया है। तुम चुपचाप अपनी बंदूक फेंक कर वापस चले जाओ, वरना। दिलावर भाई, खुदा हाफिज। चलो महबूब, इन्हें घर छोड़ाते हैं। मामू जान, दुश्मन की पूरी चार लाशें गिरा दी है मैंने और उनके खून से उस कबीले की जमीन पर इंसाफ लिख दिया है। और अब्दुल की बेटी मैं जबी उसे बेदाग सही सलामत अब्दुल चाचा के घर पहुंचा दिया है। शाबाश दिलावर, शाबाश मेरे शेर। क्या सोच रही हो शबाना? मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। अरे क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि दाइमा के दिमाग की इजाद सलीम अगर तेरे ख्वाबों में आ जाए या अचानक तेरे सामने आ जाए तो तू अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करेगी? ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे शबाना। अरे मैं तो तेरे इश्क का अंदाज जानना चाहती हूँ कि तू शर्मा के सिमट जाएगी
यह सलीम की परछाई से लिपट जाएगी। मैं कुछ नहीं करूंगी, ना सिमटूंगी और ना ही लिपटूंगी। तो फिर तू अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करेगी? उसके होठों पर बोसा देकर? शबाना! वाह वाह, बोसे के ख्याल से चेहरे पे क्या हुस्न निखर आया। शबाना, मैं तुझे, हाय अल्लाह, तू तो खंबे से ऐसे लिपट गई जैसे खंबा नहीं सलीम हो। क्या कहा? ठहर, मैं तुझे नहीं अभी नहीं, 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 जा, नहीं, 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 हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया, माफ कीजिएगा। मैंने तो, शबाना तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जाओ ना पानी लेकर आओ। देने भी दे सलमा, तूने ठीक ही तो किया। देखो कुछ देने के लिए कुछ लेना भी तो पड़ता है। वैसे मैं तुम्हें देने आया था मुर्गा भी, और लेकर जा रहा हूँ ये दाग। लो, वैसे भाईजान अब ये दाग नहीं मिटने वाले। ऐसे कैसे नहीं मिटेंगे, लाइए मैं साफ कर देती हूँ। भाईजान, इस दाग को सलमा की तरफ से तोहफा समझ के रख लीजिएगा। सलमा, ये रखो तुम्हारी मुर्गा भी। शुक्रिया। देख, तेरी वजह से मैंने उनकी कितनी अच्छी कमीज खराब कर दी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ लड़कियों। जी पप्पी जान। ज्यादा मिर्ची खाने की आदत दिलावर भाईजान को है और कूटनी हमें पड़ती है। ऐसे ही उनका गुस्सा इतना तेज है, ऊपर से ज्यादा मिर्ची खाएंगे तो गुस्सा और तेज हो जाएगा। शबाना, जरा ये बटन तो टाक देना। सलमा तुम टाक दो ना, मुझसे ये सुई धागा नहीं संभलता। अच्छा बाबा, लाइए मैं टाक देती हूँ। जान, आपके नाज नखरे उठाने के लिए और ये बटन लगाने के लिए अब आप हमारे लिए एक अच्छी सी भाभी जान ली है ये। शबाना ठीक कह रही है, कोई रिश्ता जुड़ा हो तो बटन टकवाने का मजा ही कुछ और है। भाईजान, अब तो सलमा भी कह रही है कर लीजिए ना शादी। हाँ, ज्यादा मत सोचिए, वरना कहीं वक्त आगे निकल गया तो तकदीर पीछे रह जाएगी। हाँ भाईजान, जल्दी कीजिए, जैसे हमारी सहेली शहनाज ने किया, चट मंगनी और पट ब्याह। अरे हाँ, कल हमें शहनाज की शादी में जाना है, उसके लिए अब्बू जान से इजाजत भी लेनी पड़ेगी। बेटी सलमा, हमने आज तक तुम्हें कभी एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया, फिर दो चार दिनों के लिए अपने इलाके से बाहर जाने की इजाजत कैसे दे दें? अब्बू जान, मैंने अपनी सहेली से वादा किया है कि मैं उसकी शादी में जरूर आऊंगी, आप चाहते हैं कि मैं अपना वादा तोड़ दूं? नहीं नहीं, अगर हमारी बेटी ने वादा किया है तो वो अपना वादा जरूर निभाएगी। शुक्रिया अब्बू जान। सरदार, सलमा के बगैर रहने की आदत डाल लीजिए, बेटी पराई अमानत होती है, पता नहीं कब डोले में बैठकर अपने घर चली जाए। सरदार, बेटी को जब डोले में बिठाओगे तो इन आंसुओं को कहां छिपाओ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा, तुम्हारे पीछे कौन छुपा है? आदाब। 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 सलमा आओ। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। क्यों? किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि कब कहाँ कैसे आंखों ही आंखों में तो सज्जाद खान का दिल चुरा बैठे। अरे भाई, इश्क का तीर है, चल गया सो चल गया, शादी ब्याह के मेले में तो आंख लड़ ही जाती है। आप तो खुशनसीब हैं जो आपको मिले सज्जाद, दुआ करो हमें भी मिल जाए कोई जल्लाद। अरे जल्लाद ही सही, मिले तो उसके भी कान खींच खींच के उसे फरिश्ता बना दूंगी। अरे चलो चलो, मुलाकात की रस्म शुरू होने वाली है, सबका नाम को पहले लिखा जा चुका है, मैंने सलमा और शबाना के नाम भी लिखवा दिए।
शबाना, ये मुलाकात की रस्म और हम दोनों के नाम लिखवा दिए हैं, मतलब? अरे सलमा, ये इनके यहाँ की पुरानी रस्म है। फिरनी के प्यालों पे आए हुए कुंवारे लड़कों के नाम और कुंवारी लड़कियों के नाम लिखे जाते हैं और फिर एक लड़का और एक लड़की के नाम के प्याले साथ साथ रख दिए जाते हैं और फिर उन दोनों के नाम पुकारे जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आकर सलाम करते हैं, बस। तो क्या हमें भी किसी के सामने जाकर सलाम करना पड़ेगा? हाँ सलमा, जानती हो पिछली बार क्या हुआ था? एक कुंवारे बूढ़े का नाम मेरे नाम के साथ आ गया था। मैंने मुस्कुरा के उन्हें सलाम किया और मियाँ वहीं गिर के बेहोश। मुलाकात का सिलसिला अब शुरू होता है और पहला नाम है सुल्तान खान और रुखसार। हाय अल्लाह। आदाब। आदाब। सलीम खान और सलमा। हाय अल्लाह। अरे घबरा मत, जा जा। मुबारक हो। जा ना। अरे जा। सलमा, तशरीफ लाइए। क्या हुआ? लगता है अल्लाह मियां ने दाइमा की मुराद पूरी कर दी। जा जाके देख, हो सकता है तेरा शहजादा सलीम हो। अरे ये सलीम कोई बड़ो चाचा भी तो हो सकते हैं। जा जाके देख। सलमा, तशरीफ लाइए। ये रस्म तो पूरी करनी पड़ेगी ना, सलमा को सलीम का सामना तो करना पड़ेगा। जा, चल जा। देख लिया, माशाल्लाह सलीम मुबारक हो। चुप कर। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तेरा शहजादा ऐसा होगा। दाइमा का ख्वाब तो बड़ा हसीन निकला। बस भी कर। शबाना। हाय अल्लाह। और गुजरे खान। गुजरे खान, नाम तो कुछ सुना हुआ लग रहा है, कहीं ये वही बड़ौ तो नहीं? उफल्ला। ये फिर आ गया, पिछली बार तो अस्पताल गया था, लगता है अब कब्रिस्तान जाएगा। आदाब। आदाब। खुदाफिस। क्या सोच रहे हो बादशाह? यार महबूब, तू तो जानता है मैं दुश्मन की गर्दन काट सकता हूँ, खून का दरिया बहा सकता हूँ, लेकिन यार सलमा से कह नहीं सकता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। बादशाहो, जल्दी से दिल की बात बता दो वरना मेरी तरह पछताओगे। क्या मतलब? मैं भी एक ऊंटनी से प्यार करता था मगर कहने की हिम्मत नहीं हुई और उसने मेरे पड़ोसी ऊंट से शादी कर ली और बादशाह मैं कुंवारा ही रह गया। अच्छा, thank you.
जिसको सलाम, सलमा है उसका नाम, सलमा पे दिल आ गया, हाँ सलमा पे दिल आ गया, कुदरत का नजारा, बल्लर बल्ला, हाय देखा है दोबारा, बल्लर बल्ला, क्या हुआ? लाइए मेहंदी, हम लगा देते हैं। हाँ जी, आप जिन साहिबाओं को हमसे मेहंदी लगवानी हो तो हमारे पास तशरीफ ले आए। हाँ जी तशरीफ लाइए। अजी हम मेहंदी लगा देंगे, आइए तो। अजी कोई तो तशरीफ लाए हमसे मेहंदी लगवाने।
हमें भी तो दिखाओ मेहंदी वाला हाथ। नहीं क्यों नहीं, हम तो देखेंगे, दिखाओ ना। अच्छा तो देखो सलीम। सब समझते हैं कि उसने लगाई है मेहंदी सलमा के प्यार की, दुनिया बसा गई मेहंदी। आधा वर्ष है। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे। आमीन सुम्मा आमीन। अरे सलमा तूने मेहंदी वाले हाथ में थाल पकड़ लिया, कहीं वो मिट गया तो। हाय अल्लाह कहीं मिट तो नहीं गया। आज तो सिर्फ लड्डू गिरे हैं, कल कहीं तू खुद ना गिर पड़ना, वरना सलीम मियां को बुलाना पड़ेगा। आदाब, बंदा हाजिर है। लड्डू। सलमा लड्डू। आहा, हाथों की मेहंदी का रंग तो बड़ा अच्छा आया है। तू जाग रही है? इश्क तूने किया और नींद मेरी खराब हो रही है। जान मेरी, बुजुर्गों ने कहा है कि जिनके हाथों की मेहंदी का रंग इतना अच्छा आता है उनका होने वाला दूल्हा उन्हें बहुत चाहता है। इस पे अस किया है कि इश्क एक मीठी सजा है, ये तो एक खूबसूरत बला है। आधा वर्दे आधा वर्दे। चुप, जो भी शायरी करती है ऊट पटांग ही करती है, न काफिया मिलता है न रदीफ। काफिया रदीफ मिले न मिले, तुझे तेरा सलीम तो मिल गया ना। अच्छा शबाना, तू शहनाज से अकेले में पूछते सही वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? अरे कल हंगामा होने वाला है, ढोलकी पे गाना बजाना होगा, तू तो उससे मिलेगी, खुद ही पूछ लेना। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, चल छपक है। खड़ी है मिलन की, जान से जान
मेहंदी वाले हाथ पे तेरे किस आशिक का नाम लिखा है। अच्छा मियाँ, शादी में बहुत मजा आया। ढोलकी वाले गाने में तो तुमने जलवा कर दिया यार। अरे यार वो सब तो ठीक है, मगर मैंने तुमसे कुछ पता लगाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? अरे यार सलमा का पता मैं शादी के हंगामे में बिल्कुल भूल गया था, और कल रात सलमा चली गई। चली गई? परेशान मत हो यार, सलमा का पता लगाते ही मैं तुम्हें एक खत लिखता हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दाई माँ, जीती रहो बेटी। कैसी रही तुम्हारी सहेली की शादी? बहुत अच्छी दाई माँ, बहुत मजा आया। आ गई हमारी बेटी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटी, वालेकुम अस्सलाम। सलमा तुम्हारे बगैर घर के आंगन में जैसे हम कांटों पर चल रहे थे, बस हमेशा तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती थी। अब्बू जान देख लीजिए, हम सही सलामत खुशी खुशी घर लौट आए हैं, आप तो खामखा ही डर रहे थे। नहीं सलमा, नहीं, तुम सही सलामत नहीं लौटी हो। हमारी तजुर्बेकार आंखें कह रही हैं कि तुम में कुछ तब्दीली आ गई है। तब्दीली? कैसी तब्दीली अबू जान? हमारी आंखों में आंखें डालकर गौर से देखो, तुम बदल गई हो, तुम्हारा दिल बदल गया है। दिल बदल गया? हाँ, तुम ये भूल गई हो कि तुम जब भी हमसे मिली हो सबसे पहले हमें अपने माथे का बोसा दिया है। ओह अबू जान, ओहो आओ शबाना, लगता है इश्क का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। ए सलमा, दिल की हालत कैसी है? शबाना हर धड़कन बस उन्हीं का नाम लेती है। तूने दाइमा को सब कुछ बताया या नहीं? अच्छा तो दाइमा से भी कुछ छिपाया जा रहा है। दाइमा आपकी जुबान मुबारक हो, शादी में सलमा को सलीम मिल गया और उसने अपने हाथ से इसके हाथ पे अपना नाम भी लिख दिया। सलीम? कौन है ये सलीम? मालूम नहीं। कहाँ का रहने वाला है? मालूम नहीं। उसका कोई ठिकाना
कोई पता तो होगा? मालूम नहीं। शमा के संग जल जाना।
पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं, सलीम। अदाब बाबू जान। जीते रहो बेटे। हम जानते हैं कि रबाब से तुम्हें बहुत मोहब्बत है, क्योंकि तोहफा तुम्हें तुम्हारी अम्मी जान ने दिया था। अगर आज अगर वो जिंदा होती तो वो भी यही कहती जो हम कहने जा रहे हैं बेटे। अब तुम बड़े हो गए हो, कल तुम्हें इस कबीले का सरदार बनना है, और सरदार के हाथों में रबाब नहीं बंदूक होनी चाहिए। अबू जान, बंदूक तो नफरत और खून के माहौल को जन्म देती है, लेकिन इस रबाब के तारों में सिर्फ मोहब्बत और अमन के सुर बजते हैं। लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं बेटे, यहां पर तो दुश्मनी के साए में गोलियों की आवाज और तलवारों की खनक गूंजती है, और ऐसे हालात सिर्फ बंदूक से ही काबू किए जा सकते हैं, रबाब से नहीं। हमें डर है सलीम, कहीं तुम रबाब के तारों में उलझकर सरदार बनने के काबिल ही न रहो। अबू जान, हम बंदूक और तलवार से कबीले के लोगों पर हुकूमत नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत से उनके दिलों पर हुकूमत करना चाहते हैं। और अगर तुम्हें कबीले के दुश्मनों ने बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया तो? अगर ऐसा हुआ अबू जान, तो ये हाथ रबाब छोड़कर इंसाफ के लिए बंदूक भी उठा सकते हैं। शबाना, शबाना। आओ सलमा। आदाब पप्पी जान। जीती रहो। शबाना कहाँ है? यही पड़ोस में गई है, अभी आती होगी। तुम बैठो। शबाना की बच्ची, छोड़ मेरी आंखें। तुझे आंखों की क्या जरूरत है, तू तो उसे बंद आंखों से भी देख सकती है। हाँ, वो तो है, वो तो हरदम मेरी आंखों में रहते हैं। अब छोड़ो भी। पहले कोई शेर सुना, फिर छोड़ूंगी। अच्छा तो सुन। जिस शाम मेरी लब पर तेरा नाम ना आए, अल्लाह करे ऐसी कोई शाम ना आए। वाह वाह। ए जाने वफा, ये कभी मुमकिन ही नहीं, अफसाना लिखूं और तेरा नाम ना आए। वाह क्या शेर है। बोल मेरी जान। दिलावर की आंखों से कभी कभी डर लगने लगता है। अरे उनकी आंखों से क्या डरना, उनकी आंखें तो बचपन से ही ऐसी हैं। बेड़ा गर्क कर दिया ना, इतनी जोर जोर से बोल रही है, कहीं अप्पू जान ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, इश्क बड़ा सहमा सहमा सा, डरा डरा सा रहता है। मगर शबाना, पता नहीं वो कौन है, कहां से आया और कहां चला गया। अरे दिल वाले कहीं नहीं जाते, घूम घुमा के दिल में ही उतर आते। वो दिन कब आएगा जब सलीम फिर से मेरी आंखों के सामने होगा,
उससे मुलाकात कहीं सिर्फ ख्याल और शायरी में ही ढलकर न रह जाए। हमें भी तो बताओ उसकी याद में क्या क्या लिख डाला। एक शेर है कि मुकम्मल ही नहीं हो रहा, शाह साहब के पास जाना पड़ेगा इसलाह के लिए, अब वो ही ये शेर मुकम्मल करेंगे। हमें बताओ शायद हम पूरा कर दें। अच्छा तो सुन। ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, हाँ दे गया बोसा सलमा को बाहों में भींच कर। तू तो बड़ी बेतुकी शायरी करती है। अच्छा तो फिर जाओ शाह साहब के पास। रहो बेटा, रबाब के तारों में आज तुमने एक नया सुर छेड़ा है, एक नई धुन बजाई है जो इस इलाके में पहले कभी नहीं सुनी। हाँ शाह साहब, ये धुन मोहब्बत चाहत और उल्फत से बनी है। तुमने चाहत को छेड़ा है या चाहत ने तुम्हें? शाह साहब, किनारा लहरों को चूमता है या लहरें किनारे को, साहिल प्यासा है या मुझे, मुझे पता नहीं। मगर जो ऐसे सुर को छेड़ते हैं वो खुद सुर बन जाते हैं, जैसे जैतून की जड़ें संगे मरमर में उतर जाती हैं। मैं जैतून के बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक दिन तुम खुद ही आकर सब कुछ बतला दोगे। डरना नहीं बेटा, क्योंकि इस दुनिया में सच से ज्यादा ताकतवर और झूठ से ज्यादा कमजोर कोई चीज नहीं है। अच्छा मैं चलता हूं। खुदा हाफिज शाह साहब। खुदा हाफिज। आदाब शाह साहब। अरे जीती रहो बेटी, कैसी हो सलमा, बहुत दिनों के बाद आई हो। जी शाह साहब, एक शादी में गई थी। शाह साहब मेरी गजल का एक शेर मुकम्मल नहीं हो रहा है। भाई पूरी गजल सुननी पड़ेगी, आओ आराम से बैठकर सुनते हैं। जी शुरू करो। जी। बेकली बेखुदी बेबसी दे गया, कुछ नए तजुर्बे अजनबी दे गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ बेटी। उसकी सौदागरी में भी इंसाफ था, उसकी सौदागरी में भी इंसाफ था, जिंदगी ले गया जिंदगी दे गया। वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या प्यारा सौदा है। हाँ अगला शेर। सोचने के लिए पल की मोहलत न दी, सोचने के लिए पल की मोहलत न दी, जागने के लिए एक सदी दे गया। वाह वाह बहुत खूबसूरत। हाँ एक पल और सदी, वाह 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 बहुत अच्छा ख्याल है। आगे चल। ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, शाह साहब इस मिसरे के आगे क्या होना चाहिए? क्या मिसरा है? ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, हाँ मगर रूह की ताजगी दे गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन है शाह साहब? ये भी तुम्हारी तरह हमारा एक शागिर्द है, मीर सलीम।
साहब, उनसे कहिए कि ये मिसरा मैंने नहीं कहा, बेखुदी में मुंह से निकल गया। शायरा खुश है कि उसका शेर ही मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि गजल की तकमील हो गई। आओ बेटी आओ। अल्लाह सलीम, ये सलमा है, सरदार आतिश खान की बेटी। आदाब। और ये सलीम, सरदार गुल खान का बेटा। आदाब। अच्छा शाह साहब, अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। सलमा, ये वो रास्ता नहीं है जो तुम्हारे घर की तरफ जाता है। अब मेरा हर रास्ता मुझे मेरे सलीम तक ले जाता है, जहाँ पहुंचकर मुझे मेरा पता मिलता है, मेरी पहचान मिलती है। लेकिन सलमा, तुम वो नगमा हो जिसे मैं कभी गुनगुना नहीं सकूंगा। अगर खौफ की जंजीर मेरे पैरों में होती तो मैं यहाँ नहीं होती। तुम्हारी चाहत में मैं हर खौफ की दहलीज को पार कर सकती हूँ। सलमा, मेरी मोहब्बत की प्यास तुम हो, मगर अंजाम जलता हुआ रेगिस्तान है जहां मुसाफिर को मंजिल नहीं मिलती। मोहब्बत की राहों में उठने वाला पहला कदम ही इश्क की मंजिल होता है। तुम्हारे हमारे कबीलों के बीच दुश्मनी की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं। मोहब्बत की ताकत पहाड़ों से ऊंची ऊंची दीवारों को भी गिरा देती है। प्यास के गोद में तड़पते हुए इस रेगिस्तान को कभी पानी नहीं मिला, चमकती हुई रेत पानी का धोखा बनी रही। कहीं हम दोनों की मोहब्बत भी नहीं। सलीम, हम दोनों एक दूसरे के होने को मिले हैं। तुमसे मिलकर मैं अपनी जिंदगी से मिली हूँ, मैं मुकम्मल हो गई हूँ सलीम। तो क्या मेरी खातिर तुम अपना कबीला, अपने लोग, अपनी दुनिया सब कुछ छोड़ सकती हो? मेरी दुनिया तुम हो, तुम्हारे साए में थोड़ी सी जगह मिल जाए, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। आज मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ दाइमा, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन सलमा बेटी, आज की ये खुशी कुछ अजनबी अजनबी सी लग रही है। दाइमा, आज मेरे ख्वाब मुकम्मल हो गए हैं, मेरी कसर मुकम्मल हो गई है, आज मैं मुकम्मल हो गई हूँ। मुझे मुझे मेरा सलीम मिल गया है दाइमा। सलीम मिल गया है जी? लेकिन ये सलीम है कौन? सरदार गुल खान का बेटा। सरदार गुल खान का बेटा सलीम? दाइमा, क्या बात है दाइमा? आप कुछ हैरान कुछ परेशान लग रही हैं। सरदार, घर में जवान बेटी हो तो परेशानी तो होगी ही। मैं सलमा की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। नहीं दाइमा, हमारी सलमा की जिंदगी के बारे में सोचने का हक तो हम सलमा को भी नहीं देंगे। इसका खाविंद कौन होगा यह फैसला हम करेंगे। जी जी सरदार। दाइमा आप चलिए खाना लगवाइए, बड़ी जोरों की भूख लगी है। भूख लगी जी? हाँ। दाइमा, जब से सलमा उसकी सहेली की शादी से लौटी है, लगता है आपके दिल में उसे दुल्हन बनी देखने की तमन्ना जाग उठी है। जी सरदार।
क्या नाम है ये? कौन है ये सलीम? ये किसका नाम हथेली पे लिखा है तुमने? आदाब मामूजान। मामूजान, वो दाइमा हमेशा बोलती है ना कि सलमा के दूल्हे का नाम चाहे जो भी हो, हम उसका नाम बदल के सलीम खान रख देंगे। इसलिए मैंने मजाक में इसके हाथ पे सलीम लिख दिया। दाइमा, किसी गैर मर्द का नाम अपनी बेटी की हथेली पर देखकर हमारे खून के हर कतरे में एक आग सी लग गई है। कई सवाल भड़कते हुए शोलों की तरह हमारे दिमाग में मचलने लगे हैं। अपनी बेटी के नाम के साथ हम किसी गैर मर्द का नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरदार, बच्चे हैं, बचपना कर गए, आप खाना खाइए। दाइमा, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? नहीं बेटी, नहीं, हम दोनों एक तरह नहीं सोच सकते। क्यों दाइमा? इसलिए कि तुम दिल से सोचती हो और मैं दिमाग से। मेरी सोच में मेरी उम्र भी शामिल है और तुम्हारी सोच में दूध की खुशबू आती है। इसका मतलब आप जानती हैं दाइमा कि मैं क्या सोच रही हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ और ये भी जानती हूँ तुम जो सोच रही हो वो नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है दाइमा? इसलिए कि तुम्हारी सोच दुश्मन कबीलों के दिलों पर लगे इंतकाम के धब्बे को धो नहीं सकती। सलीम से तुम्हारा रिश्ता सरदार गुलखान और सरदार आतिश खान की दुश्मनी को दोस्ती में नहीं बदल सकता। तुम्हारा प्यार कबीलों की नफरत को मोहब्बत में नहीं बदल सकता सलमा। लेकिन दाइमा, आपको कैसे पता चला कि मैं यही सोच रही हूँ? बेटी, मैंने तुझे जन्म तो नहीं दिया लेकिन दूध जरूर पिलाया है। मैं तेरी माँ तो नहीं हूँ लेकिन दाइमा जरूर हूँ। और हर माँ एक दिन के बच्चे की बातें सुन भी लेती है और समझ भी लेती है। लेकिन सलमा बेटी, मैं कुछ दिनों से तुमसे डरने लगी। लेकिन आप डरने क्यों लगी हैं दाइमा? मैं तुझे अपनी बेटी समझती हूँ और हर माँ अपनी बेटी की खुशी भी चाहती है और जिंदगी भी। आप कुछ भी समझें दाइमा, लेकिन देख लीजिएगा एक दिन वही होगा जैसा मैं सोच रही हूँ। मुझे सलमा से बहुत डर लगने लगा है शाहजहां। इसलिए कि वो सलीम से मोहब्बत करती है। सरदार आतिश खान और दिलावर इस बात को कभी कबूल नहीं करेंगे और सलमा को जान से मार डालेंगे। शबाना, दाइमा शाह साहब से अकेले में क्या बात करना चाहती है? होगी कोई तुम्हारे सलीम के बारे में? सलीम के बारे में? बेकली बेखुदी बेबसी दे गया। सलमा, बेकली बेखुदी बेबसी दे गया। कुछ नए
बचने के लिए पल की मोहलत न दी। तो गोलियों की गूंज में पैदा हुए दाइमा, रबाब के तारों से हमारा क्या ताल्लुक? चलिए घर चलते हैं। चलो सलमान। शाह साहब, ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आया था। तूफान आया भी और चला भी गया, लेकिन सलीम, आज हमने तुम्हारे रबाब के तारों में सलमा की गजल सुनी है। शाह साहब, आपने कहा था ना, जैतून की जड़ें संगमरमर में उतर जाती हैं। संगे मरमर में जैतून की जड़ें उतर गई हैं शाह साहब। मगर मैं तुम्हारी जबानी सुनना चाहता हूँ, सच क्या है? मेरा सच सलमा है। और सलमा का सच? सलीम, ये फैसला कोई आसान फैसला नहीं है। मैं जानता हूँ। इस रास्ते में बहुत दुश्वारियां हैं। जैतून की जड़ें संगे मरमर को फाड़ के निकल तो सकती हैं, लेकिन लोहे की दीवार को काट नहीं सकती। फूल की पत्ती से अगर हीरे का जिगर कर सकता है, तो क्या हमारी चाहत दो कबीलों की नफरत को शिकस्त नहीं दे सकती? जो तुम सोचते हो वो मुमकिन हो सकता है। जाओ अपने अब्बू से कहो कि वो सलमा का हाथ मांगने सरदार आतिश खान के पास जाएं। जी शाह साहब। आओ बेटा। अमीजान,
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो बेटे। अम्मी जान, हर जवान बेटे की माँ को अपने घर में बहू लाने की फिक्र होती है। तो तू मेरे लिए कोई बहू तलाश कर लाया है? जी अम्मी जान। कौन है वो, मुझे बताओ। बस आप फौरन मामू जान के घर जाइए। अच्छा, तो तू सलमा से शादी करना चाहता है? मुझे भी सलमा बहुत पसंद है। तो जाइए ना अम्मी जान, जल्दी से मामू जान के घर जाइए। अच्छा अच्छा, जाती हूँ। सलीम, आतिश खान अपने बहनोई का मुझे कातिल समझता है और तुम कहते हो कि। लेकिन बाबा जान, मैं जानता हूं वो कत्ल आपने नहीं किया। तुम्हारे जानने न जानने से क्या होता है। आतिश खान हमारा दुश्मन है और मैं अपने दुश्मन की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकता। हमारे कबीलों के बीच खून की नदियां बहती हैं, लाशों के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन अब्बू जान, आप एक सरदार बनकर नहीं, एक बाप बनकर सोचिए। कैसे न सोचूं सरदार बनकर, कैसे न सोचूं? मैं सरदार हूं इस कबीले का, जिसके लोगों का खून आतिश खान के कबीले के सर पर है। मैं कैसे भूल जाऊं उन बुजुर्गों को जो इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गए हैं। मैं अपने बाप दादा के खून से गद्दारी नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए सोचिए बाबा जान, थोड़ी देर के लिए। आप एक सरदार ही नहीं, बाप भी हैं। ये रिश्ता नस्लों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर सकता है, दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकता है। एक रिश्ता इतनी पुरानी दुश्मनी को खत्म नहीं कर सकता सलीम। जिन हाथों पे खून जमा हुआ हो, उस पर मेहंदी का रंग नहीं आ सकता। खून के हाथों पे मोहब्बत के फूल सजाए जा सकते हैं बाबा जान। अगर दुश्मनी की राह पर आप प्यार का पहला कदम उठाए तो। सलीम। जी बाबा जान। एक बात बताना, क्या तुम ये रिश्ता महज इसलिए करना चाह रहे हो कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए? बाबा जान, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला है। मैं प्यार करता हूं सलमा से। और सलमा? और वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकती बाबा जान। वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और तुम भी उसके बगैर नहीं रह सकते। जी बाबा जान। क्या वो अपने कबीले से अलग हो सकती है, अपने बाप को छोड़ सकती है? जी बाबा जान। और तुम? कुछ भी कर सकता हूं उसको पाने के लिए, कुछ भी। इसी बात का खतरा था मुझे, इसी बात का खतरा था। रबाब के तार जरूर कोई नई धुन बजाने लगेंगे। मेरे रबाब के तारों ने हमेशा मोहब्बत और अमन के सुर छेड़े हैं बाबा जान। मैं जानता हूं आप बिल्कुल मेरी मां जैसे हैं। गोलियों से आपको नफरत है, दुश्मनी आपको पसंद नहीं। खून की नदी और इंसानी लाशें देखकर आपका दिल रो उठता है। आप भी अमन चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। तूने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है सलीम बेटे। मैं तेरी खुशी को अपनी खुशी बनाने की सोच तो सकता हूं। हो सकता है सिर्फ सोच ही सकूं, कर न सकूं। हाय जान, आज मैं आपसे आपकी खुशियां मांगने आई हूं। जैनबे, हमारे पास जो भी खुशियां हैं ना, सब तुम्हारे हैं। भाई जान, ये खुशियां मैं अपने बेटे दिलावर के लिए मांगने आई हूँ। तो इसका मतलब है कि शाह साहब ने तुम दोनों के प्यार पे अपनी मोहर लगा दी है? हाँ, शाह साहब ने उनसे कहा कि वो अपने बाप के पास जाएं और उन्हें मेरे अब्बू जान के पास भेज दें। उन्हें? उन्हें कौन? उन्हीं को। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि अभी रिश्ता हुआ नहीं और तूने अभी से उनका नाम लेना छोड़ दिया। क्यों, नाम लेने में क्या है? अच्छा तो फिर कहो सलीम। आहिस्ता बोलो। अरे कोई नहीं सुनता, दोनों भाई बहन अपनी बातों में लगे हुए हैं। क्या बातें कर रहे हैं? मालूम नहीं, अम्मी जान कह रही थी कि मामू जान से कुछ जरूरी बात करनी है। जनाबे, दिलावर से ज्यादा अजीज मुझे और कौन हो सकता है? और मैं ये भी जानता हूँ कि दिलावर सलमा को बहुत खुश रखेगा, लेकिन मुझे इस फैसले के ऐलान के लिए 2 दिनों की मोहलत दो। फैसला तो मुझे मिल गया भाई जान,
अब भला मोहलत कैसे नहीं दूंगी। आदाब फूफी जान। जीती रहो बेटी। क्या बात है फूफी जान, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। सलमा बेटी, आज मैं अपने भाई जान से खुशियाँ मांगने आई हूँ। खुशियाँ बांटने से इनकार नहीं करना चाहिए अब्बू जान, खुशियाँ बांटते रहना चाहिए, इससे खुशियाँ बढ़ती हैं। देखा, हमारी बेटी समझदार हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सरदार। वालेकुम अस्सलाम। आओ गुलखान, आओ। आज यहां आने की कोई खास वजह? वजह है सरदार, मैं चाहता हूं कि आतिश खान के कबीले और हमारे कबीले के बीच दुश्मनी खत्म हो जाए। अल्लाह माफ करे बाबा, हमारी जिंदगी का भी मकसद यही रहा है कि दो दुश्मन कबीलों को मिला दे, पर आज तक कोई रास्ता ही नहीं मिला। सरदार, दोस्ती का वो रास्ता मैं दिखा सकता हूं। कौन सा रास्ता? सरदार, मेरा बेटा सलीम और आतिश खान की बेटी सलमा एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। अगर इन दोनों का निकाह कर दिया जाए तो हमारे दोनों कबीलों की दुश्मनी मिट सकती है। वाह गुलखान वाह, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। दो कबीलों को मिलाने के लिए कितना खूबसूरत तरीका तलाश किया है तुमने। वाह, जाओ गुलखान जाओ, अभी और इसी वक्त आतिश खान के यहां पैगाम भेजो और सलीम के लिए सलमा का हाथ मांग लो, जाओ। सरदार, आपने इस रिश्ते के लिए इजाजत देकर मेरा हौसला और बुलंद कर दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, हमेशा दो कबीलों में आग भड़काने वाला सरदार आज उसी आग में पानी डाल रहा है। हम वही कर रहे हैं राशिद, जो सरदारों के सरदार करते आ रहे हैं। अरे क्या करते आ रहे हैं, इन दोनों कबीलों के बीच में अगर ये रिश्ता तय हो गया ना तो हमारी तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। अल्लाह माफ करे बाबा, तुम हमारी चालों को कभी समझ नहीं पाओगे राशिद। हमारे जाल में जो भी फंसता है सारी जिंदगी तड़पता है। गुलखान को आतिश खान के पास भेजकर हमने उनकी दुश्मनी की आग को हवा दी है, अब देखना वो आग कैसे भड़कती है। सरदार, आतिश खान ने अगर रिश्ता कबूल कर लिया ना तो उसके कबीले में आतिशबाजी छूटने लगेगी। ऐसा कभी नहीं होगा राशिद, हम जानते हैं कि आतिश खान हमारी इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता, और वो भी गुलखान के हक में। कभी नहीं। अबू, मैं कुछ बोलूं? खामोशी सेहत के लिए अच्छी होती है। हलाकु, चाचू, सलमा पे तो मेरी नजर थी, ये बीच में सलीम कहां से अटपका? अबे बेटे हलाकु, सबसे पहले तू शबनम पे मरा, उसके बाद शहनाज पे मरा, उसके बाद शबाना पे मरा, तू उन पे मरा और उन्होंने बारी बारी एक के बाद एक खुदकुशी कर ली, मर गई। चाचू, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैं सलमा को मरने नहीं दूंगा, मैं उससे शादी करूंगा। अबे मेरे सीने पे हाथ रख के मेरी झूठी कसम खाता है, मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया तो? तू क्या समझता है, तू ही सलमा पे मरता है? सलमा पे मैं मरता हूँ। अम्मी जान। क्या है अम्मी जान? कहो क्या बात है। आपको पता है मैं क्या पूछना चाहता हूँ? मुझे क्या पता, तुम क्या पूछना चाहते हो? अम्मी जान, आप मामू जान के घर गई थी? गई थी। क्या कहा उन्होंने? बस कहना क्या था, इधर उधर की बात करते रहे। अम्मी जान, आप सिर्फ मेरी तरफ देखिए और कहिए कि उन्होंने क्या कहा। मुझे बस इतना ही मालूम करना था। भाई जान ने कहा है कि वो इस रिश्ते का ऐलान तुरंत बाद करेंगे। अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सरदार। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद सरदार आतिश खान, खुश आमदीद। सरदार, मैं आपसे एक मशवरा भी करने आया हूँ और आपकी इजाजत लेने भी। कहो आतिश खान। सरदार, मेरी बहन जैनब बीन है अपने बेटे दिलावर के लिए मेरी बेटी सलमा का हाथ मांगा है। दिलावर एक जांबाज बहादुर नौजवान है,
सलमा के लिए इससे बेहतर शौहर और कोई हो ही नहीं सकता सरदार आदिश खान जी। कितनी अच्छी बात है कि घर की बेटी घर ही के आंगन में खेलती रहे। सरदार आदिश खान, अभी और इसी वक्त शगुन की थाल लेकर अपने बहन के घर जाओ। एक पल की भी देर ना करो। जितनी जल्दी हो सके दिलावर के साथ सलमा के निकाह की तैयारी करो ताकि हम उस शादी में शरीक हो सके। बहुत अच्छे सरदार, बस मुझे आपके यहां चाहिए थी। अब इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अबू, मैं कुछ बोलूं? बोलो। अबू, ये सब क्या हो रहा है? आपने सरदार गुल खान को सलमा का हाथ मांगने के लिए कहा और सरदार आतिश खान को सलमा का निकाह दिलावर से करने के लिए कह दिया। सरदार, ये मशवरा था या ऐलाने जंग? अल्लाह माफ करे बाबा, सरदार वही कहलाता है जो दो कबीलों में दो जातियों में हमेशा फूट बरकरार रखे। जब गुल खान सलमा का हाथ मांगने आतिश खान के पास जाएगा तब तक आतिश खान अपनी बहन को कॉल दे चुका होगा कि सलमा का निकाह दिलावर से होगा। आतिश खान अच्छी तरह से जानता है कि गुल खान उसके बहनों का कातिल है। वो ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करेगा। मुबारक हो जैनबी। आइए भाईजान। मुबारक हो। ये लो, मुंह मीठा करो। सरदार अंगारा खान ने भी दिलावर और सलमा के रिश्ते के लिए हां कर दी है और उनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं। मामूजान, सरदार गुल खान का पैगाम आया है, वो आपसे अकेले कब्रिस्तान में मिलना चाहता है। गुल खान अकेला मिलना चाहता है? मगर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। कई साल पहले मेरे अब्बू जान को भी अकेले बुलाकर उसने कत्ल कर दिया था। हम अपने लोगों के साथ कब्रिस्तान जाएंगे दिलावर। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या सोच रहे हो दिलावर? सर कुछ नहीं बाबूजान। ये कब्रिस्तान, ये कब्रें इंसान की मौत का ऐलान करती हैं। हमें यहां बुलाने का मकसद क्या है तुम्हारा? आतिश खान, तुम्हारे और हमारे कबीलों के बीच दुश्मनी की वजह यही वो जमीन का टुकड़ा है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कबीलों का कब्रिस्तान बन गया। आतिश खान, इस जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए न जाने कितनी जिंदगियां मौत के गुलाम बन गई। और देखो आज ये कब्रिस्तान भी अपनी हदें तोड़ता हुआ कहां से कहां तक फैल गया। चाहे इस कब्रिस्तान की हदें जमीन से आसमान तक फैल जाएं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मगर मैं चाहता हूं कि इस कब्रिस्तान की हदें और आगे न बढ़े, हमारे कबीलों के बीच और खून खराबा न हो। इसलिए मैं एक अमन का पैगाम लेकर आया हूं। अमन? हमारे और तुम्हारे कबीलों के बीच अमन? गुल खान, आग और बारूद के बीच क्या कभी अमन जी सकता है? क्या हम हमारे अपनों की ये लाशें, तुम्हारे कबीले के दिए हुए ये तोपे कभी भूल सकते हैं? गुलखान, जब तक फिजा में हवा चलती रहेगी हमारे बीच दुश्मनी की सांसें भी चलती रहेंगी। मगर आतिश खान,
मैं हमारे कबीलों के बीच अमन की ऐसी बुनियाद डालना चाहता हूं जिस पर नफरत की नहीं सिर्फ मोहब्बत की दीवारें बनेंगी। दुनिया में ऐसी कोई शय नहीं गुलखान जो हमारे और तुम्हारे कबीलों के बीच अमन और मोहब्बत पैदा कर सके। ऐसी शय है आतिश खान, सलमा और सलीम की मोहब्बत। तुम्हारी बेटी और हमारे बेटे का निकाह। खामोश गुस्ताख, मेरी बेटी का हाथ मांगने की जुर्रत कैसे की तूने? असम है मैं पाक परवरदिगार की कि अगर तू हमारे इलाके में ना होता तो सबसे पहले हम तेरी जबान काट देते और फिर उसके बाद तेरा सिर तेरी गर्दन से अलग करके तुझे यहीं इसी कब्रिस्तान में दफन कर देते। अपनी जबान को लगाम दे आतिश खान। शायद तू नहीं जानता कि तेरी बेटी सलमा मेरे बेटे सलीम से बेइंतहा मोहब्बत करती है। मेरा बेटा सलीम तेरी बेटी सलमा का फरमान है, उसका ख्वाब है। अगर यह सच है तो मैं अपनी बेटी के अरमानों का, उसके ख्वाबों का गला घोट दूंगा, मगर मैं उसे तेरे बेटे की दुल्हन नहीं नहीं बनने दूंगा। उसके दिल में बसी हुई सलीम की मोहब्बत का गला तू कैसे घोटेगा? गुलखान, बेटियों के घर वही बसते हैं जहां उनके बुजुर्ग जाते हैं, और मैंने अपनी बहन को कॉल दिया है कि मेरी बेटी की शादी मेरी बहन के बेटे दिलावर से होगी, और अगर कॉल ना भी दिया होता तब भी मैं अपनी बेटी का रिश्ता तेरे बेटे से कभी ना करता। अबूजान, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमसे बगैर पूछे आपने हमारी जिंदगी का फैसला कैसे कर दिया? हम सलीम के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। खामोश! हम पठानों के खानदान में शादी ब्याह के रिश्ते तय करते वक्त बेटियों की मर्जी नहीं पूछी जाती, मर्जी उसके बाप की चलती है। आप हमारी सासों को अपनी मर्जी की बेड़ियां पहना रहे हैं अब्बू जान। सलमा, सलीम का नाम तुम अपनी हथेली पे लिख सकती हो मगर सलीम को अपनी किस्मत में नहीं लिख सकती। मिटा दो इसकी हथेली पर हमारे दुश्मन के बेटे का नाम, और अगर ना मिट सके तो काट दो इसका ये हाथ। अब्बू जान, आप हाथ काट कर भी सलीम को मेरे दिल से अलग नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी ये हिम्मत कि अपने बाप के साथ बगावत करो, सरदार आतिश खान के साथ बगावत करो, याद रखो चांद की 15वीं तारीख को दिलावर खान के साथ हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। दाइमा जी, हम शादी का सामान खरीदने शहर जा रहे हैं। आप सलमा को बता देना कि जिस तरह पत्थर पे बनी हुई लकीर नहीं मिटती, टूटे हुए आईने को जोड़ने से दरार नहीं मिटती, उसी तरह हमारा फैसला भी नहीं बदल सकता। बाबा जान, सलीम, आतिश खान ने रिश्ते के लिए मना कर दिया है और सलमा का रिश्ता अपनी बहन के बेटे दिलावर के साथ तय कर दिया है। नहीं बाबा जान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सलमा जिंदगी से बेवफाई कर सकती है लेकिन सलीम की मोहब्बत से नहीं। जमीन पर कयामत आ सकती है लेकिन सलमा दिलावर के घर दुल्हन बनकर नहीं जा सकती। ये झूठ है बाबा जान, ये झूठ है। तुम्हारे लिए तो हर बात झूठ है। तुम्हारे दिलो दिमाग पर सलमा की मोहब्बत का नशा छाया हुआ है। मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है, इसलिए तुम्हें बाप की बातों में भी झूठ की आवाज सुनाई दे रही है। अफसोस तो यह कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए दुश्मन से मिलने के लिए गया और बेइज्जत हुआ। अगर उन्होंने आपको बेइज्जत किया है बाबा जान तो मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे? जोश में होश खोकर कोई ऐसी हरकत मत कर बैठना सलीम कि मौत तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। चाहे मेरी जान चली जाए बाबा जान,
मगर मैं सलमा को अपनी जिंदगी से किसी और की जिंदगी में जाने नहीं दूंगा। शबाना, हालात ने तुझे भी मेरे साथ एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। मेरी आजमाइश तेरी आजमाइश के सामने कुछ भी नहीं है सलमा। मेरे साथ साथ तू भी एक ऐसे दराहे पर खड़ी है जहाँ एक तरफ तेरा भाई और दूसरी तरफ तेरी सहेली है। अगर तू चाहे तो मेरा साथ छोड़कर अपने भाई का साथ भी दे सकती है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, कोई गिला नहीं होगा। मगर शबाना, मेरी जान, मैं तेरे बगैर टूटकर बिखर जाऊंगी। सलमा, मैं तेरी खुशी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। कर सकोगी शबाना? खौफ की दहलीज पार कर सकोगी? बंदिशों की जंजीर तोड़ सकोगी? सिर्फ ये ही नहीं शबाना, पापा की राह में सिर्फ अपनों से ही नहीं अपने आप से भी अलग होना पड़ता है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ सलमा कि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे बेवफाई कभी नहीं कर सकती। मुझे नाज है हमारी दोस्ती पर। शबाना, क्या तुम मुझे एक बार सलीम से मिलवा सकती हो? शबाना, सलीम अभी तक नहीं आए, तूने उन्हें यही मिलने को कहा था ना? परेशान ना हो, बस आते ही होंगे। हाय अल्लाह, ये दिलावर भाई कहाँ से आ गए? चलो छुप जाओ। हाय अल्लाह, अगर इस वक्त सलीम यहाँ आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। क्या होगा? तुम हमारे इलाके में क्यों आए हो? सलमा से मिलने। क्या बोला? फिर से बोल। अपने सलमा से मिलने आया हूँ। नहीं सलमा, तेरी जुबान से ही नहीं, तेरे दिलो दिमाग से मैं आज सलमा का नामो निशान मिटा दूंगा। अल्लाह, हम कहते हैं रुक जाओ। शाह साहब, कह दो इसे सलमा मेरी होने वाली बीवी है। जान की 15 तारीख को मेरा सलमा से निकाह होने वाला है। आज के बाद हमारे इलाके में जिस जमीन पर इसका साया भी नजर आएगा, उस जमीन पर मैं इसकी कब्र बना दूंगा। मगर फिर भी मेरी सलमा के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाओगे। क्या कहा? नहीं दिलावर, नहीं। जाओ, अपने अपने इलाके में जाओ। शबाना, सलीम तो चले गए, अब क्या होगा? थोड़ी देर राह देखते हैं, शायद वापस आ जाएं।
ऐलान हाजिर है आपके लिए मीर सलीम। आप आधी रात तक मेरे गांव की सरहद तक पहुंच जाए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। शुक्रिया। ताईमा, आप चाहें तो अपनी वफादारी निभा सकती हैं। मैं घर से जाने के लिए पहला कदम उठाऊं और आप मेरा गला घोंट दें। नहीं बेटी, नहीं। मैं तेरी वफा की राहों में तेरे साथ हूँ मेरी बच्ची। ताईमा, आप भी मेरे साथ चलिए। मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? सारा शक आप पर होगा दाईमा, ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटी, तुम्हारे खुशियों पे कुर्बान होने के लिए मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। सरदार तुम्हारी शादी का सामान लेकर कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे, और अगर मैं हवेली में ना हुई तो तुम्हारे ना होने का सबको पता चल जाएगा। फिर आप मुझसे एक वादा करें कि माँ का बेटी से वादा होगा। क्या? कल दोपहर अब्बू जान के वापस आने से पहले आप हवेली में मेरे गायब होने का ऐलान कर देंगी। क्यों? क्योंकि फिर आप पर कोई इल्जाम नहीं आएगा, और तब तक हम हर पहुंच से बाहर निकल चुके होंगे। अच्छा बेटी, आओ यहाँ छिप जाओ। चौकीदार, चौकीदार। जी दाई माँ। हवेली के पीछे कुछ आवाजें आ रही हैं, जरा जाकर देखो तो। जी। बेटी सलमा, मुझे माफ कर देना माँ। माँ भी कहती है और माफी भी मांगती है। खुदा तुम्हारी मोहब्बत को परवान चढ़ा है। मेरी बच्ची, मोहब्बत ऐसी मेहंदी है कि जब भी पीसी जाएगी। मोहब्बत ऐसी मेहंदी है कि जब भी पीसी जाएगी। जमाना देखता रह जाएगा, जमाना देखता रह जाएगा, ये रंग लाएगी, ये रंग लाएगी। मोहब्बत ऐसी मेहंदी है, जमाना देखता रह जाएगा, जमाना देखता रह जाएगा, ये रंग लाएगी, ये रंग लाएगी। मोहब्बत ऐसी मेहंदी है कि जब भी पीसी जाएगी। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आदाब। आओ सलमा। मीर सलीम, तशरीफ ले चलिए। दाइमा, दाइमा, देखिए हम सलमा की शादी के लिए शहर का सारा सामान खरीद लाए हैं।
सलमा को बुलाइए दाइमा और उसे बताइए कि हम उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहते हैं। देखिए दाइमा, ये देखिए। एक बाप की मोहब्बत और उसके अरमान हैं ये कपड़े जेवरात दाइमा। हम अपनी बेटी की शादी बड़ी शानो शौकत से करना चाहते हैं। बुलाइए सलमा को, बुलाइए। आप हमारा मुंह क्या देख रही हैं दाइमा? जाइए ना, बुलाइए ना सलमा को, बुलाइए उसे। सलमा हवेली में नहीं है सरदार। हवेली में नहीं है तो फिर कहाँ है वो? कुछ पता नहीं सरदार। पता नहीं, कहाँ गई है वो? कब से नहीं है हवेली में? सुबह जब आंख खुली तो पता चला, हवेली का कोना कोना छान मारा, सलमा का कहीं पता नहीं चला। नौकरों से मालूम किया, चौकीदारों से पूछा? नौकरों और चौकीदारों से कैसे पूछते सरदार, आपके घर की इज्जत का सवाल था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बाप की गैरत को कुचलकर उसकी बेटी इज्जत की इस तरह धज्जियां नहीं उड़ा सकती। सलमा, ये तूने कैसी नादानी कर दी, कैसी नादानी कर दी। दुश्मन के कबीले से रिश्ता जोड़कर हमारी दुश्मन बन गई। हम दुश्मनों की दुनिया हिला देंगे। हमसे हमारी बेटी को छीनने वालों की एक एक सांस छीन लेंगे, हम एक एक सांस छीन लेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे मामूजान, आप घर में तशरीफ रखिए, आपके दिल का अरमान मैं पूरा करूंगा, दुश्मनों को मैं नेस्तनाबूद करूंगा मैं। सरदार, खबर मिली है कि मीर सलीम ने सरदार आतिश खान की बेटी सलमा को अगवा कर लिया है। सलीम, ये क्या किया तुमने? अबू, सलमा और सलीम घर से भाग गए। बहुत अच्छी खबर है, पहली बार तुम अच्छी खबर लाए। मीर दिलावर, आप यहां? मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, और तुम जानते हो किस लिए? मैं नहीं जानता। मीर दिलावर, आप मेरे कबीले के नहीं हैं, फिर भी मैं आपकी इज्जत करता हूं। यह गरीब का घर है, किसी सरदार की हवेली नहीं जिसकी तलाशी के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़े। अंदर मेरी बीवी है, आप तलाशी लेना चाहते हैं तो शौक से लीजिए, मगर तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैं किसे तलाश कर रहा हूं? मैंने कहा ना मीर दिलावर, मैं आपकी इज्जत करता हूं, हम जिसकी इज्जत करते हैं उनसे सवाल नहीं करते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो आपने उन्हें जंगल में छिपा दिया, वरना गजब हो जाता। बेशक अल्लाह का शुक्र है, लेकिन रुखसार, तू जल्दी कर, शाम होने वाली है, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है। जी। चलो आंख बंद करो और सोचो, मैं बारात लेकर आया हूँ, तुम दुल्हन की तरह सजी हो,
और तुम्हारी सहेलियां हमें छेड़ रही हैं, हैं? मुस्कुराओ, मुस्कुरा दो और आंख बंद करके अपनी ख्वाबों की दुनिया में खो जाओ। Yeah.
मीर सलीम, दिलावर मेरे घर तक आ पहुंचा है आप दोनों की तलाश में। मैंने उसकी आंखों में खून उतरा हुआ देखा है। मैं खुद को बड़ी मुश्किल से बचाकर यहां तक आया हूं। बेहतर यह होगा कि आप दोनों शाह साहब की पनाह में चले जाएं। नहीं नहीं, हम ऐसे नेक इंसान को किसी भी परेशानी में नहीं डालेंगे। जब्बार भाई ठीक कहते हैं, हमें शाह साहब की पनाह में जाने से ही इंसाफ मिल सकता है। रही हो तुम? मुझे मालूम है कि तुम जानती हो कि सलमा कहाँ है। मुझे कुछ नहीं मालूम सरदार। तुम उसकी राजदार हो, छुपा रही हो मुझसे। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मत भूलो कि तुम मेरी नौकरानी हो। तुमने अपने मालिक और कबीले के सरदार की बेटी को एक गैर मर्द के साथ भाग जाने पर उकसाया है। जानती हो इस जुर्म की सजा क्या है? कबीले के लोग तुम्हें पत्थर मार मार के खत्म भी कर सकते हैं। वो तो आप मार ही रहे हैं सरदार। मैंने सलमा को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन उसके लिए अपनी मौत कबूल कर सकती हूँ। बेशक सलमा के जुर्म की सजा भी मुझे दे दीजिए। अगर तेरे खाविंद गफ्फार खान ने हमारी जान बचाने के लिए दुश्मन की गोली अपने सीने पर ना खाई होती तो कसम खुदा की मैं अपने ही नहीं हाथों से तेरा ये गला घोट देता। तूने अमानत में खयानत की है। नहीं सरदार, मैंने खयानत नहीं की। सलमा मेरे पास आपकी अमानत थी, लेकिन आपके पास सलमा उसकी माँ की अमानत थी। अगर आज वो जिंदा होती तो सलमा के खिलाफ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता सरदार, कुछ नहीं होता। तुम जानती हो कि मैंने सलमा की खातिर दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ इसी खौफ से कि दूसरी माँ सलमा को उसकी माँ जैसा प्यार नहीं दे सकेगी। सारी जिंदगी एक रेगिस्तान की तरह गुजारी है मैंने, तो क्या मैं उससे यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए, अपने बाप के लिए, इस कबीले के सरदार की इज्जत के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दे। शबाना सच सच बता, वो दोनों कहाँ छुपे हैं? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। तू झूठ बोल रही है। तू दिन रात उसके साथ रहा करती थी, तू उसकी राजदार है, तू सब जानती है। शबाना तूने मेरा प्यार देखा है लेकिन मेरा गुस्सा नहीं देखा। अगर तू मुझे अपना भाई नहीं समझती तो मैं भी तुझे अपनी बहन नहीं समझूंगा। बता दे शबाना, अगर तुझे पता है तो बता दे। मुझे कुछ नहीं पता माँ, अगर मुझे पता होता तो मैं बता देती। ये झूठ बोल रही है माँ, इसका चेहरा बता रहा है ये झूठ बोल रही है। अगर तुम चेहरे से झूठ पढ़ सकते हो तो सलमा के चेहरे पे सच भी पढ़ लेते। चुप रह बदतमीज, बड़े भाई के सामने बोलती है। चुप रहती हूँ तो बोलती हो, बोलो, बोलती हूँ तो कहती हो चुप रहो। वालेकुम अस्सलाम। हम आपकी पनाह में आना चाहते हैं शाह साहब, आपके साये में हमें जिंदगी मिल सकती है। आओ मेरे साथ। दिलावर, तुम शिकार की तलाश में आया हूँ शाह साहब। ये मेरा डेरा है, कोई शिकारगा नहीं। आज तक मैंने घेरा वही डाला है जहाँ शिकार की बू आती है। मेरे शिकार के कदमों के निशान आपके डेरे का पता बतलाते हैं। मेरे घर के दरवाजों पर कोई ताला नहीं है, सब दरवाजे खुले हैं। शाह साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सलमा अगर मेरी ना हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकती। मामूजान, मैं शाह साहब के डेरे पे होकर आया हूं। उनकी इज्जत के खातिर मैंने तलाशी तो नहीं ली, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों शाह साहब की पनाह में आ गए हैं।
अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। खबर मिली है कि मेरी बेटी और गुलखान का बेटा आपकी पनाह में। सलीम एक मुजरिम है, उसने मेरी बेटी को घर से भगा ले जाने का संगीन जुर्म किया है शाह साहब। जब बेटियां घरों की दीवारें पार कर लेती हैं शाह साहब, तो बाप के लिए मर जाती हैं, और जब बेटी बेटी नहीं रहती तो बाप भी मर जाता है। हमारी आंखों में खून उतर आया है शाह साहब। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वालों की जिंदगियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, मौत की नींद सुला देंगे। अगर तुम दोनों की जिंदगियों का फैसला सिर्फ मौत से ही करना चाहते हो तो वो दोनों अंदर हैं, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमारी लाश गिरानी होगी। ठीक है शाह साहब, अगर आप हमें फैसला नहीं करने देते तो हमें इंसाफ के लिए बड़े सरदार अंगारा खान के पास जाना होगा। अपनी आंखों के इन अंगारों से हमें मत डराओ आतिश खान, हमारे सीने में भी गुस्से और नफरत की आग दहक रही है। आंखों के अंगारे क्या गुलखान, बहुत जल्द मैं तुझे तेरे बेटे के जिस्म से उठते हुए खून के शोले दिखाऊंगा। तेरे बेटे ने मेरी बेटी के हाथों पे मेहंदी सजाई है, मैं तेरे उसी बेटे का खून तेरे सीने पे सजा दूंगा। अगर तेरी बंदूक से एक भी गोली निकली आतिश खान, एक भी, तो हमारी लाखों गोलियां तेरे खानदान को ही नहीं तेरे सारे कबीले के खून को मिट्टी में मिला देगी। अल्लाह माफ करे, ये जंग का मैदान नहीं है बाबा, इंसाफ का दरबार है। जो हो गया सो हो गया, अब हमें बड़े दूर अंदेशे के साथ फैसला करना है बाबा। अब ये फैसला बंदूक की गोलियां ही कर सकती है सरदार। सब्र से काम लो सरदार आतिश खान, सब्र से काम लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजरीन, अगर सारे फैसले बंदूकों से हो जाते तो आज इस दुनिया से सारे इंसान मिट जाते, ये दुनिया कभी की खत्म हो चुकी होती। ना अदालत होती, ना पंचायत होती, ना मशवरे होते, और ना आज हम सब यहां इकट्ठे होते। आज बंदूकें तलवारें नहीं, फैसला इंसानी अदालत करेगी, आप लोग करेंगे। सरदार गुलखान, सरदार आतिश खान, आप लोग तशरीफ रखिए। शाह साहब आप तशरीफ लाइए। हाजरीन, ये मसला उस तरीके का है जो नए रिश्ते जोड़ने और पुराने रिश्ते तोड़ने के लिए इख्तियार किया गया है। कबीले के बुजुर्गों को अब यह सोचना है कि इस तरीके को हम कबूल कर सकते हैं या नहीं। अगर कबूल करते हैं तो बुजुर्गों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, गैरत का जनाजा निकल जाता है, सदियों पुरानी तहजीब के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और शर्मिंदगी से हमारे सर झुक जाते हैं। इस रिश्ते को हम कबूल करते हैं तो यह बहुत बुरी और बहुत खतरनाक मिसाल बन जाएगी। बेगैरती और बेहयाई बढ़ जाएगी, किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। कोई भी शख्स किसी की भी बेटी बहू या बीवी को भगा कर ले जाएगा, किसी की भी मंगेतर रात के अंधेरे में किसी भी गैर मर्द के साथ भाग जाएगी और निकाह पढ़वा लेगी। अल्लाह माफ करे, रात के अंधेरे का भी इंतजार नहीं करेगी, दुश्मनी बढ़ जाएगी, कत्ल व गारत का बाजार गर्म हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। सलमा और सलीम मेरी नजरों में बहुत बड़े गुनहगार हैं, और मेरे बुजुर्गों
उन्हें ऐसी सजा दी जाए जो कि इस दुनिया में एक मिसाल बनकर रह जाए। बड़े सरदार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सलीम और सलमा को सरे बाजार पत्थर मार मार कर खत्म कर देना चाहिए। इन दोनों को जिंदा दीवारों में चुनवा देना चाहिए। इन दोनों के कसूर को अगर माफ कर दिया गया तो ये कबीले बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें संगीन से संगीन सजा दी जाए, वो कसूरवार हैं। हाजरीन, सलीम और सलमा कसूरवार जरूर हैं, क्योंकि वो दो दुश्मन सरदारों के घरों में पैदा हुए हैं। कसूर कुदरत का भी है जिसने उन्हें ऐसे दिलो दिमाग दिए। वो दोनों एक दूसरे की चाहत में गुम होकर कबीलों की दुश्मनी को भी भूल गए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जिस तरह एक किस्म के परिंदे दूसरी किस्म के परिंदों के साथ नहीं उड़ा करते, सलीम और सलमा ने भी एक दूसरे के साथ रहने का कुदरती तकाजा पूरा किया है। उनका प्यार बेमिसाल है, प्यार अमन है, खुशहाली है, जिंदगी है, और नफरत जंग, बर्बादी और मौत। अपने घरों से निकलने की गलती उन्होंने जरूर की है, लेकिन यह ऐसा जुर्म नहीं है कि जिसकी सजा में उन्हें पत्थरों से मारा जाए, उन्हें जिंदा चुनवा दिया जाए, उनकी मोहब्बत को कत्ल कर दिया जाए। वो दोनों अपने इलाके की हदों को पार करके किसी दूसरे शहर में जा सकते थे, लेकिन मैं लाया हूं उन्हें उनके अपने कबीलों के सामने, उनके अपने लोगों के सामने, उन्हें इंसाफ दिलवाने। हम अगर इस जमीन को गुलजार में बदलना चाहते हैं तो उन दोनों ने अपने प्यार का एक पौधा लगाया है। हम अगर दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन दोनों ने दुश्मनी की सरहदों को तोड़कर अमन की बुनियाद रखी है। अगर हम अंधेरों से निकलकर रोशनी में आना चाहते हैं तो उन दोनों ने पहला चिराग रोशन किया है। प्यार के उस पौधे को जड़ से उखाड़ने, अमन की बुनियादों को हिलाने और उस चिराग को बुझाने की बजाय हमें उसकी रोशनी में उन्हीं राहों पर चलना चाहिए, क्योंकि ये मंजिल उनकी ही नहीं, हम सबकी मंजिल है, आने वाली नस्लों की मंजिल है। मगर याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने कोई गलत फैसला किया तो वो हम सबको तबाह और बर्बाद कर देगा, और आपका सही फैसला इस नफरत भरे माहौल में हमेशा के लिए अमन, प्यार और खुशहाली ला सकता है। और आज आपका ये फैसला वक्त भी सुनेगा, आसमान भी सुनेगा, जमीन भी सुनेगी, और सदियों तक आने वाली नस्लें भी सुनेंगी। हाजरीन, सारे कबीले के लोग
शाह साहब की राय से इत्तफाक रखते हैं और सलमा और सलीम को बीवी और शौहर की शक्ल में कबूल करते हैं। आमीन। हम हमारे बुजुर्गों के इस फैसले की इज्जत करते हैं। हम दोनों कबीलों के सरदारों को यह फैसला कबूल करने का हुक्म देते हैं। सरदार आतिश खान, सरदार गुल खान, अब तुम दोनों हमारे डेरे चलकर अपने बच्चों से मिलो, अपनी जबानी उन्हें ये खुशखबरी सुनाओ। गुल खान, आतिश खान, ले चलो यहां से। बच्चों, बहुत बहुत मुबारक हो। कबीले वालों ने फैसला तुम्हारे हक में दिया है। बाहर आकर देखो, मेरे साथ तुम्हारे वालिद सरदार आतिश खान और सरदार गुल खान दोनों आए हैं। अब डरने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। सलीम, सलमा, बाहर आ जाओ बच्चों। सलीम बेटा, ये खून कैसा? बोलो मेरे बच्चों, ये सब क्या है? खामोश क्यों हो? तुम लोगों की खामोशी से कई सवाल पैदा होते हैं। बताओ क्या हुआ? दिलावर ने इन पर गोली चलाई है शाह साहब। दिलावर ने? हम अपने बेटे के खून की एक एक बूंद का बदला दिलावर के खून से लेंगे। कबीलों के फैसले के खिलाफ बंदूक उठाई है दिलावर ने, हम खुद उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह माफ करे। यह हमारा हुक्म है कि दिलावर को देखते ही गोली मार दो, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दो, ताकि लोगों को नसीहत हो कि कबीलों के फैसले के खिलाफ बंदूक उठाने का यही अंजाम होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने सलीम को लंबी जिंदगी अता फरमाई है, वरना गोली सीने पर भी लग सकती थी। सरदार गुल खान, आप आज ही बारात लेकर सरदार आतिश खान की हवेली में जाइए और सलमा बेटी को डोली में बिठाकर अपने घर ले जाइए। सरदार आतिश खान, सलमा बेटी को अपने घर ले जाओ और उसे दुल्हन का लिबास बनाओ, ताकि शादी की रस्म भी पूरी हो जाए और कबीलों का फैसला भी। Thank you.
अल्लाह सलामत रखे। कौन है ये कातिल, कौन है ये जालिम जिसने इस खुशी के मौके पर इन मासूमों की जान ले ली? कौन है वो? दिलावर, तलाश करो दिलावर को और जहां भी नजर आए गाड़ी से उड़ा दो, जाओ। ये खुशी का मौका आप ही के करम से आया है। करम तो अल्लाह का। सरदार, सरदार, खबर मिली है सरदार, दिलावर खान ने सरदार गुल खान के बेटे सलीम की पूरी बारात को बारूद से उड़ा डाला सरदार। बड़े सरदार, दिलावर ने एक बार फिर मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। गुल खान, दिलावर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बारात को बम से उड़ाए। हमें लगता है आतिश खान का इसमें हाथ है। अब तो हमें यकीन हो चला है कि आतिश खान अपनी बेटी सलमा को सलीम की दुल्हन नहीं बनाना चाहता, बल्कि दिलावर को अपना दामाद बनाना चाहता। नहीं बड़े सरदार, सरदार आतिश खान एक नेक सरदार है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो क्या ये बम हमने फोड़े? हमने इन मासूमों की जान ले ली। लेकिन बड़े सरदार, मैं खामोश हो जाओ सलीम। सलमा की मोहब्बत ने तुम्हें अंधा बना दिया है। आज के बाद तुम्हें सलमा को भूलना होगा। या अल्लाह। सलमा, सलमा, दरवाजा खोलो। सलमा, सलमा, क्या हुआ? सलमा, दरवाजा खोलो। सलमा, सलमा, दरवाजा खोलो। सलमा, सलमा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो सलमा बेटी, दरवाजा खोलो। सलमा सिर्फ दिलावर की है। भाईजान, मैं अपने बेटे दिलावर को कभी दूध नहीं बख्शूंगी। जाइए और अपनी बंदूक की एक एक गोली उसके सीने में दाग दीजिए। मैं आपको अपने बेटे का खून माफ करती हूँ। दिलावर खान! बादशाह! महबूब! बादशाह! बादशाह! महबूब! बादशाह! महबूब! कुत्ते! महबूब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ महबूब। आ रहा हूँ बादशाह, मैं आ रहा हूँ। खोल दे महबूब, खोल, खोल दे, खोल महबूब, खोल। शाबाश महबूब। बताओ सलमा और सलीम का क्या हाल है? सलमा बहुत मुसीबत में है बादशाह। चल चलो। अरे जाग। मैं बोलूं, मुझे भीगी हुई लड़कियां बहुत पसंद है, क्योंकि भीगे हुए बदन में कुदरत का करिश्मा नजर आता है। ए सलमा, मैं कुछ बोलूं? हाँ, तू जानती है मैंने तुझे अगवा क्यों किया? इसलिए कि पहले मैं चूमूंगा तेरे गालों को, फिर तेरे होठों को, फिर इस बेदाग जवानी पर मैं दाग लगाऊंगा, ताकि दुनिया वाले ये समझे कि दिलावर ने तेरी इज्जत लूटकर तुझे खत्म कर दिया। खीरा, अब्दुल्ला, अली। Yeah!
मारो, मेरे बुढ़ापे का सहारा मत छीनो। नहीं, जिस जलील हरकत में इसने हलाकू का साथ दिया है उसकी सजा सिर्फ मौत है। नहीं नहीं मेरे दिलावर, मेरे बेटे की जान बख्श दो, मैं इस एहसान का पुत्र। मैं कुछ खुदा हाफिज। मरने से पहले मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। कौन सा राज? तुम्हारे वालिद का कातिल। मैं जानता हूँ मेरे बाप का कातिल गुलखान है। नहीं, मीर दिलावर, गुलखान तो एक इंसान है। तुम्हारे वालिद का कत्ल मैंने देखा है। आतिश खान और गुलखान के कबीलों में आजकल दोस्ती बढ़ रही है, और आज मैं उस दोस्ती को दुश्मनी में बदल दूंगा। लेकिन कैसे भाईजान? अभी थोड़ी देर में यहां से गुलखान गुजरेगा, और वो नहीं जानता कि जलाल खान उसका इंतजार कर रहा है। गुलखान! जलाल खान यहां क्या कर रहा है? जलाल खान! ये क्या गजब हो गया? जलाल खान! जलाल खान! जलाल खान! कौन है कमीना? किसने गोली चलाई है इन पर? जलाल खान, गुलखान, आपने मुझे क्यों बुलाया था? मैंने मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। मैं तो शहर किसी काम से जा रहा था कि रास्ते में तुम नजर आ गए। आओ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। नहीं 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 नहीं, खुदा आप। जलाल खान, अब पड़ गई दुश्मनी की बुनियाद। इस कत्ल का इल्जाम लगेगा गुलखान पर। अल्लाह माफ करे, और मैं लोगों को भड़काऊंगा कि आतिश खान के बहनोई का कातिल गुलखान है, और फिर मैं सरदारों का सरदार बनकर हमेशा के लिए सारे कबीलों पर हुकूमत करूंगा। खुदा आओ सलमा, बहुत दूर जाना है। दुनिया ने तुम पर तोहमतें लगाई, मगर मेरा दिल नहीं मानता था। मगर आज सलमा के साथ तुम्हें देखकर अपने तजुर्बे पर मुझे शक हो रहा है कि तुम्हारी आंखें पढ़ने में मैं धोखा खा गया। एक बार फरिश्ते धोखा खा सकते हैं शाह साहब, आप नहीं। मतलब? शाह साहब, आज मुझे सारे गुनाहों पर से पर्दा हटाना है, इसलिए आप मेरे मामूजान और सरदार गुलखान को यहां बुलवाइए और मेरे आने का इंतजार कीजिए। सलमा आ जाओ बेटी। जी शाह साहब। किसने मारा मेरे बेटे को? अल्लाह माफ करे, मैं खून की नदियां बहा दूंगा। कौन है वो दरिंदा, कौन है वो जालिम जिसने इस बाप पर ये जुल्म किया? कौन है वो जिसने इस बाप का सीना छन्नी छन्नी कर दिया? कौन है वो? मैं। दिलावर खान ने किया है इसका खून। मैंने किया है तुम्हारा सीना छन्नी, क्योंकि तुम मेरे बाप के कातिल हो। अल्लाह माफ करे। अदब।
मरने से पहले कान खोलकर सुन ले और आंख खोलकर देख भी ले दिलावर, मैंने कत्ल किया था तेरे बाप का और मैं कत्ल करता रहूंगा। कबीलों में फूट डालता रहूंगा और सरदार बनकर जीता भी रहूंगा। मरेंगे तुझ जैसे बेवकूफ। अंगारा खान, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरा फैसला आज कबीलों के सरदार करेंगे। सरदारों का सरदार हूं गुल खान, इसने सलीम पर गोली चलाई, अल्लाह ने उसे बचा लिया, इसने कबीले के फैसले के खिलाफ बंदूक उठाई, मैंने हुक्म दिया कि दिलावर खान को जान से मार दिया जाए, उसे हुक्म का बदला दिया इस वैश्य ने मुझसे। इसने मेरे बेटे हलाकू को मार डाला, फिर मेरे भाई राशिद खान को मार डाला और अब तुम लोगों के सामने जलील कर रहा है मुझे। गुल खान, खत्म कर दो इस खूनी भेड़िए को, वरना न जाने ये वैश्य और कितनी लाशें गिरा देगा। बकवास बंद कर अंगारा खान, और सच बता, किसने चलाई थी गोली मेरे सलीम बेटे पर, किसने चलाई थी? अल्लाह माफ करे गुल खान, तेरा बेटा मेरा बेटा है, मैं उस पे कैसे गोली चला सकता हूँ? सच बोल कमीने, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ न बोल। बोल किसने चलवाई गोली सलीम पर, पता? बोल। मैंने। और किसने चलाई? मेरे बेटे हलाकू ने। बारात को बम से किसने उड़वाया? मैंने। आतिश खान, खुदा के लिए मुझे बचाओ, अपनी बहन के बेटे को रोक लो, मुझे मार डालेगा, मुझे बचाओ आतिश खान। मेरी बेटी सलमा को किसने अगवा किया था? मेरे बेटे हलाकू ने। बोल मेरे अब्बू जान का कातिल कौन है? शाह साहब, मैं खूनी हूँ, कातिल हूँ, गुनहगार हूँ। तमाम कबीलों पर हुकूमत करने के लिए मैंने सब कुछ किया था, मुझे माफ कर दीजिए शाह साहब, मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए शाह साहब, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अंगारा खान, तू कितना बदनसीब इंसान है, शाह साहब जैसे नेक इंसान ने भी तुझसे मुंह फेर लिया, समझ ले जिंदगी ने भी तुझसे मुंह फेर लिया। नहीं दिलावर, दिलावर, दिलावर मुझे मत मारना, दिलावर, दिलावर, दिलावर मुझे मत मारना, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो दिलावर, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। नहीं दिलावर, नहीं, नहीं दिलावर, नहीं, नहीं। अल्लाह माफ करे बाबा, खुदा हाफिज़।
साहब, आज के बाद इस इलाके में हमारे कबीलों के बीच कभी कोई गोली नहीं चलेगी। अब चारों तरफ सिर्फ अमन और मोहब्बत के फूल खिलेंगे शाह साहब। आमीन। सुम्मा आमीन। कह दो के जल्दी है जरा।